हेलो स्टूडेंट, आज हम बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, उसको बाल्यावस्था कहा जाता है, ठीक है ना। और 5 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। इसके अलावा ये बीच की अवस्था कहलाती है, शैशवावस्था और किशोरावस्था के मध्य की योजक कड़ी भी के रूप में भी मानी जाती है। तो इसको बाल्यावस्था के साथ साथ में मध्य की अवस्था भी कहा जाता है। तो बाल्यावस्था शैशवा और किशोरावस्था के मध्य की अवस्था है, और इसका काल ये काल है 5 से 12 वर्ष या 6 से 13 वर्ष का। यानी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताइए, लेकिन अधिकतर इसको 5 से 12 वर्ष की अवस्था माना जाता है। फिर इनके उपनाम भी दिए गए हैं, जिसको विशेष रूप से ये बाल्यावस्था जानी जाती है। पहला है वैचारिक क्रिया की अवस्था, यानी बालक विचार अस्थिर रहते हैं, कभी स्थायी रूप से उसके विचार नहीं रहते, इसलिए उसको वैचारिक क्रिया की अवस्था कहा जाता है। फिर है विद्यालय जाना उसको प्रारंभ कर देता है, इसलिए उसको आरंभिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है या अवस्था कहा जाता है। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब यह है कि बालक जो क्रियाएं अपने बड़ों को कार्य करते हुए देखता है, या कोई वीडियो देखता है, या किसी को नाटक देखता है, तो वह घर पर आकर उसको प्रत्यक्ष रूप से करने का प्रयास करता है, इसलिए इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। फिर जीवन का अनोखा काल, यानी जीवन में अनोखा काल का मतलब यह है उसके शारीरिक वृद्धि भी होती है, और उसकी कभी आवाज परिवर्तन हो जाता है, और वह ऐसी मुखमंडल को बनाता है, तो उसको जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। और खेल की अवस्था का मतलब यह है कि वह बच्चा हर कार्य खेल खेल में करता है, ठीक है, उसको खेल और सोने के अलावा और खाने के अलावा कोई अलग कार्य करने की इच्छा नहीं होती, इसलिए इसको खेल की अवस्था कहा जाती है। और उसमें एनर्जी तो इतनी होती है कि वह कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित रहता है, इसलिए उसको स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। इसके अलावा वह क्या करता है, टोली बनाता है, तो वह टोली की अवस्था भी उसमें कहा जाता है, यानी गैंग एज भी कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से अवस्थाएं हो गई है। और अब अपन बाल्यावस्था की विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है किलपैट्रिक के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल होता है, यानी प्रतिद्वंद्वात्मक का मतलब होता है उसके विचार कभी स्थिर नहीं रहते हैं, और विरोधी भास उसमें पाया जाता है, कभी गुस्सा करता है, कभी प्रेम करने लग जाता है, कभी झूठ बोलने लग जाता है, कभी सत्य बोलने लग जाता है, इस प्रकार के विचारिक मतभेद उसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा गया है। इसके अलावा दूसरा है फ्राइड के द्वारा बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्ता अवस्था कहा गया है, यानी उसमें काम करने की अधिकता पाई जाती है, जो काम उससे नहीं होता है अपने से बड़ों को देखकर वह कार्य करने का प्रयास करता है, तो यह काम करने की अवस्था भी इसको कहा जाता है। फिर रोस ने एक और परिभाषा दी है कि बाल्यावस्था हृदय परिपक्वता की अवस्था होती है, यानी हृदय उसका परिपक्व हो जाता है, वह किसी के कोई तेज बोलता है तब भी नहीं डरता है, तेज प्रकाश जो शैशवावस्था में जो अवस्था होती है जिसमें वह तेज प्रकाश से डरता है, तेज हवा से डरता है, और तेज आवाज होती है उससे भी डरता है, इस अवस्था में वह हृदय स्थिर हो जाता है और वह परिपक्व हो जाता है। तो इन परिभाषाओं के बारे में अपन ने अध्ययन किया। इसके अलावा आज हम इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला है कार्यकरण में संबंध स्थापित करना सीख लेता है, यानी कार्यकरण का मतलब यह है कि बालक जो कार्य कर रहा है उसका कारण भी जान लेता है कि मैं ये कार्य किस कारण से कर रहा हूं, और इसके करने से मुझे कोई चोट लगेगी या इसके बाद में मुझे पुरस्कार मिलेगा, यानी इसका ज्ञान वह उसे हो जाता है। फिर
दूसरा है रचनात्मक कार्य करना सीख जाता है। रचनात्मक कार्य का मतलब गाना गाना सीख लेता है, कविता बोलना सीख लेता है, कहानी सुनाना सीख लेता है, पेंटिंग करना सीख लेता है, बेटा बेटा कोई ड्राइंग बना रहा है या कोई खेल का सामान बनाना भी सीख लेता है। ये सारे रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत आएंगे। फिर है सामाजिक एवं नैतिकता के गुणों का विकास, उसमें बहुत तेज गति से होता है। यानी रचनात्मक के साथ साथ में सामाजिक और नैतिक गुणों का उसमें विकास होता है। ये सारे गुण कहाँ से आते हैं? परिवार में अपने से बड़ों को देखकर वह गुणों को प्राप्त करता है। जैसा परिवार के बड़े लोग उसके साथ में जैसे गुणों का जैसे बड़े के आदर सम्मान करते हैं, जैसे कोई पिताजी अपने पिताजी का आदर सम्मान कर रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं, तो वह भी वह उनको देखकर वह चरण छूने का प्रयास करता है। इस प्रकार उसमें सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होता है। फिर है संग्रहण की उसकी जो प्रवृत्ति होती है, हर सामान वह संग्रह करने की प्रवृत्ति उसमें ज्यादा विकास विकसित हो जाती है। फिर है भाई बहनों में झगड़ा, यानी इसको इतना मिल गया मेरे को इतना ही मिला, इस प्रकार वह झगड़ा करता है। और झगड़े के साथ साथ में उनमें हम की भावना भी का विकास भी होता है। यदि भाई और बहन को कोई दूसरा व्यक्ति आकर उनको डांटता है या डराता धमकाता है तो वो उनकी सुरक्षा के लिए प्रेरित रहता है, ठीक है ना। इस प्रकार उसमें समूह की भावना का भी विकास होता है। चोरी करना, झूठ बोलने का की प्रवृत्ति का भी विकास उसमें धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा उसमें बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास भी होता है और सामूहिक खेलों में रुचि लेता है। यानी वह ऐसे खेल खेलता है जिसमें सामूहिक रूप से अपने साथियों के साथ में वह खेलना पसंद करता है, ठीक है ना। और जिज्ञासा की उसमें प्रबलता रहती है और जिज्ञासा इतनी ज्यादा होती है कि इसके बाद में क्या होगा, वह उसमें प्रबलता रहती है और वास्तविक जगत से संबंधित होती है। यानी वह अपनी इच्छाओं को वास्तविक संसार में किस प्रकार उसको उपयोग करना है वह करना धीरे धीरे वह सीख लेता है। तो आज हमने बाल्यावस्था की के सामान्य जानकारियां हमने प्राप्त की है। उसमें उसकी अवस्था के बारे में, 5 से 12 वर्ष की अवस्था, उनके उपनाम और उसकी परिभाषाओं के बारे में और उसकी सामान्य विशेषताओं के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। और आगे की विशेषताओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे।